कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अनिल मित्तल जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीनियर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी और हमारे देश के माने जाने फुटबॉलर श्री वाईचुंग भूटिया जी, श्री राम मोइवा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के सेक्रेटरी, श्री चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा श्री बिप्लो कुमार देव और फाउंडर माई होम इंडिया श्री सुनील देवधर जी एंड मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री जैन जी सिन्हा, एडवोकेट रविंद्र लोखंडे जी एंड डॉक्टर मोहम्मद बाजिद, और इस ऑडिटोरियम में मौजूद मेरे सभी स्टूडेंट्स बहनों एवं भाइयों, इस कार्यक्रम में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। वैसे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के कार्यक्रम में इसके पहले भी कई बार मेरा जाना हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का जहां तक सवाल है, जब कभी लोग ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हेड है, मुकुट है, सिर है, और यह नॉर्थ ईस्ट भारत के हैंड्स हैं, सोल्जर्स हैं, तो मैं कहना चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट को मैं भारत का सोल्जर अथवा हैंड नहीं मानता हूं, बल्कि यह मानता हूं कि यह हमारे जिगर का टुकड़ा है, पीस ऑफ आवर हार्ट के रूप में नॉर्थ ईस्ट को मैं देखता हूं। मैं मानता हूं इस सच्चाई को कि एक समय था कि एक सेंस ऑफ एलियनेशन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का, हमारे दिल का टुकड़ा है, और जब तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हम सारे देश के डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते। और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की ओर ध्यान देते हुए उन्होंने अलग से पहली बार एक मिनिस्ट्री बनाई थी, जिस मिनिस्ट्री का नाम है डोनर, और आज भी वह मिनिस्ट्री काम कर रही है। और आप सब ने यह भी देखा होगा कि पहले के कंपैरिजन में अब नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट कितनी तेजी के साथ हुआ है। रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, और आगे एयर कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है, रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है। इतना बड़ा परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम सबको देखने को मिला है। और आप सबको इस बात की जानकारी है कि सादिया ब्रिज, जिसकी कल्पना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, असम से लेकर अरुणाचल तक, उसका इनॉग्रेशन करने का काम हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में कम्युनिकेशन, हर प्रकार का लिंकेज, यह बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। हम नॉर्थ ईस्ट में मोबिलिटी को भी बढ़ाना चाहते हैं, और उस तरफ भी हमारी सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। और आप सबको इस बात की भी जानकारी होगी, जैसा मैंने कहा कि डोनर मिनिस्ट्री अटल जी ने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बनाई थी, लेकिन आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि डोनर मिनिस्ट्री तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, लेकिन अलग से हमारी कैबिनेट का कोई सीनियर मिनिस्टर होना चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की वह चिंता करे। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनी है, जिसमें कि चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स भी होते हैं, उस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बनाकर नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर सौंपी। अभी हाल में ही मैं गया भी था, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के साथ हमारी बातचीत हुई है। आप सब स्वयं यह कल्पना कर सकते हैं किस हद तक हमारे प्राइम मिनिस्टर यह चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट तेजी के साथ हो। यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर यह कहते हैं 2022 आते आते हम न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं,
तो जब तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक न्यू नॉर्थ ईस्ट नहीं बनेगा, तब तक हमारे न्यू इंडिया की भी यह कल्पना किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकती है। और इस दृष्टि से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में तेजी के साथ सुधार हुआ है। सुनील देवधर जी ने आपको इस संबंध में जानकारी दी है। हम लोगों ने फैसला किया कि यदि हम वहां की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं कि तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ सीधा हमारा डायलॉग होना चाहिए, सीधी बातचीत होनी चाहिए और उनसे सीधी बातचीत करके हालात को पहले से बेटर बनाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है और आज वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। शायद ही कहीं पर इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स यदा कदा कभी देखने को मिलती हैं, नहीं तो पहले आए दिन इंसर्जेंसी की घटनाएं वहां देखने को मिलती थी। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों का कंट्रीब्यूशन इस भारत के लिए कितना रहा है और आज है, यदि मैं उसकी चर्चा करूं एक लंबा समय लगेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई को भारत रत्न पहली बार देने का काम किसी ने किया था तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मैं भूल नहीं सकता हूं दीपा कर्माकर को, हीमा दास को, हृदय हजारिका जैसे नौजवानों को, और इतना ही नहीं मेरी काम जैसी युवतियों को मैं नहीं भूल सकता जिन्होंने केवल नॉर्थ ईस्ट का ही मस्तक दुनिया में ऊंचा नहीं किया है बल्कि पूरे भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है। यह हमारे नॉर्थ ईस्ट के यंगस्टर्स में, नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। आज जरूरत है कि उनके टैलेंट को पहचाना जाए और साथ ही साथ उस टैलेंट को हम एक्सप्लॉयट करने की भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करें। और मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार इस दिशा में पूरी तरह से प्रयत्नशील है। दिल्ली का जहां तक सवाल है, आप सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में रहते हैं, वैसे दिल्ली के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हमारी जो दिल्ली की पुलिस है उसमें नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, यह सब तो हैं ही, और रेगुलर उनका सिलेक्शन नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों का, नवयुवतियों का दिल्ली पुलिस के लिए होता है। लेकिन आज भी यहां का होम मिनिस्टर होने के नाते नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, कहीं पर भी यदि कोई प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को दिल्ली में होती है तो सीधे आप कि अप्रोच हमारे तक होनी चाहिए, सीधे आप मुझसे मिल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करने की हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हर व्यक्ति यह चाहता है भारत इस देश में कौन स्वदेशी है कौन विदेशी है, कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आपने देखा कि असम में एनआरसी बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ है, एनआरसी को लेकर कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो भी काम हो रहा है अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो रहा है, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी इंडियन नेशनल है, भारत का नागरिक है, उसका नाम एनआरसी में निश्चित रूप से इंक्लूड किया जाएगा। मैं यह भरोसा और विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं, इसको लेकर किसी को किसी प्रकार की का संदेह नहीं होना चाहिए। और आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं नौजवानों यही कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के अंदर एक हाई पोटेंशियल है, आवश्यकता है उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉयट करने की, और हमारी सरकार उसके प्रति पूरी तरह से कॉशस है और हम उस टैलेंट का उपयोग नए भारत के निर्माण में करेंगे। यह आप सबको विश्वास और भरोसा दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और आज भूपेन हजारिका जी का जन्मदिन है तो भूपेन हजारिका जी के
कॉन्ट्रीब्यूशन को यह देश कभी नहीं भूल सकता, केवल आर्थिस्ट ही नहीं बल्कि यह देश कभी नहीं भूल सकता। इसलिए मैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर हृदय की गहराइयों से भूपेन हजारिका जी के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।